Yeshua, and the Pina, Yeshua,
बाद भी तब परमेश्वर धन्यवाद देता परमेश्वर सच में परमेश्वर विजय की योग्य हत्या परमेश्वर धन्यवाद देता परमेश्वर चिपता परमेश्वर तुमने हमें संभाले रखा हत्या परमेश्वर धन्यवाद देता परमेश्वर किसु पिता परमेश्वर हमें ते करीब रखता हत्या परमेश्वर धन्यवाद देता परमेश्वर पिता परमेश्वर धन्यवाद देता कि तू हमसे बातें करता हत्या परमेश्वर धन्यवाद देता परमेश्वर तेरी आधर महिमा के लिखता परमेश्वर धन्यवाद देता परमेश्वर जैसे हम वचन की ओर बढ़ेंगे पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर हमें समझने के लिए पिता परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि देता परमेश्वर धन्यवाद देता परमेश्वर पिता परमेश्वर आज का दिन पिता परमेश्वर तूने दिया है पिता परमेश्वर से धन्यवाद देता परमेश्वर ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से करते आमेन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दें। मुझे फिर एक बार आपके बीच में आकर परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को बताने के लिए मौका मिला, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमेन। आज के संदेश की ओर मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति हर एक भाई बहन जो है वह परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाए, क्योंकि आज का वचन जो है बहुत ही विशेष वचन है। आमेन। हालेलुया। आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोले, हम इब्रानियों का 11 अध्याय और 8 से लेकर 19 वचन को हम देखेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय और 8 से लेकर 19 वचन। इस जगह पर जो है वह अब्राहम के बारे में इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है। आमेन। सो हम सभी को पता है कि इब्राहिम के बारे में, परंतु आज फिर एक बार हम दोबारा परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं। 8 से लेकर 19 वचन। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी वह निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा के वे देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस तीर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यह सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की भी वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और भारी है। जो ऐसी बातें करते हैं कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेशी खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से उनसे नहीं ला जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। आमेन। और 19वां वचन, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए, अंत उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। आमेन। अपने सरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमें वह बुद्धि का समझ को दे परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जैसे हमने प्रभु के सामर्थ्य वचन को प्रभु ने पढ़ा परमेश्वर में, प्रभु आप प्रभु हमें इसे समझने के लिए प्रभु आपकी बुद्धि आपकी ज्ञान आपकी समझ को दे, प्रेम पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन को दे, प्रकाश भेद की बात के द्वारा वार्तालाप कर आज का वचन परमेश्वर पिता प्रभु यह परमेश्वर मन ना होने दे परमेश्वर, आज का वचन प्रभु यह पुष्टिकर एक भोजन होने दे प्रभु हम सभी के लिए परमेश्वर, प्रभु सारी बातों में प्रभु आपके नाम की महिमा और आपका गौरव परमेश्वर जगह बढ़ने दे, प्रभु आप बड़े और हम घटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमेन। आमेन। सो परमेश्वर
तो परमेश्वर इस जगह पर जो है वचन में कहता है कि अब्राहम जो है, अब्राहम इस जगह पर वह संदेह रहित विश्वास और आज्ञा करते के कारण जो है अब्राहम इस जगह पर वह महान कहलाया गया। आमीन। आज जो लोग विश्वास करते हैं और जो विश्वास के द्वारा आज्ञा पालन करते हैं उनके लिए अब्राहम वो एक पिता के समान है। आपके और मेरे लिए एक आदर्श है क्योंकि अब्राहम ने जो कार्य किया वह सबसे महान कार्य किया। वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों का पुस्तक में जो 11 अध्याय के 8वें वचन में जो लिखने वाले जो व्यक्ति जो लेखक जो है उन्होंने कहा, क्या कहा 11 अध्याय के 8वें वचन में, और ये कहते उसने शुरुआत की, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं। वह इब्रानी का पुस्तक जो लिखने वाला लेखक जो है वह इस रीति से उसकी शुरुआत करता है कि विश्वास से अब्राहम, आमीन, विश्वास से अब्राहम वह अपने अपने ऊर देश में जो रहता था उस देश से वह बाहर निकला जहां पर परमेश्वर उसको दिखा रहा था उस देश में जाने के लिए निकला, परंतु यह नहीं जानता था कि वह उसे कहां पर जाना है, परंतु वह विश्वास से वह चलते हुए गया। आमीन। उसने जो है अपने जीवन में जब परमेश्वर ने जब उसको बुलाया उसने सब कुछ को छोड़ दिया, अपने पिता भाइयों को सभी को छोड़ दिया, अपने पिता अपने अपने पत्नी को लेकर जो है वह उस देश से उस जगह से वह निकला और उसका जीवन यह विश्वास के द्वारा था। और एक वचन को हम देखते हैं इब्रानियों का पुस्तक रोमियों का पुस्तक 4 अध्याय 11 और 12 वचन, आज का वचन जो है बहुत सामर्थ्य रीति से वो हम सभी के जीवन में काम करने वाला है। आमीन। रोमियों का पुस्तक 4 अध्याय 11 और 12 वचन, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं ताकि वे भी धर्मी ठहरे, और 12 वचन, और उन खतना किए हुए का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास के लिंक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। जब अब्राहम का जिस समय में खतना भी नहीं हुआ था उसको जो है एक चिन्ह दिया गया था और उस समय में उसने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा चिन्ह को उसने पूरा भी किया ताकि अब्राहम के विश्वास के कार्य के द्वारा जो जो इस जगह पर जो है जो खतना रहित व्यक्ति जो है उनके लिए वो पिता ठहरे और वे धर्मी ठहरे और वह खतने वालों को भी जो खतना हुआ है उनका भी वो पिता ठहरे जो विश्वास के द्वारा चलते हैं। आमीन। सो इस जगह पर हम देखते हैं वचन में कि इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसने कार्य किया और इब्राहिम ने जो है वही कार्य नहीं परंतु उसके आगे हम वचन में इब्रानी 11 अध्याय में देखते हैं कि उसने क्या क्या कार्य किया, परंतु उसका सारा कार्य जो था वो पूरा विश्वास के द्वारा ही था। उसने जो है जो अपने पिता के घर से निकला था उसने अब्राहम ने अपने मूर्ति पूजा को भी उसने अलविदा कर दिया था और उस परमेश्वर पर विश्वास करके वो अपने घर से बाहर निकला। हम दूसरी बात को हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में शद्रक मेशक और अबेदनगो के बारे में,
जो नबूकदनेस्सर राजा के जो बेबीलोन बेबीलोन में जो राजा था, आमीन। और उस समय में नबूकदनेस्सर राजा ने जो है वह 60 हाथ लंबी उसने मूर्ति बनाई थी सोने की, और उसने नबूकदनेस्सर राजा ने तय किया था कि जब सारंगी वीणा डफ जब बजाया जाए, उसका वाद्य सुनाई दे, उसी समय में हर एक व्यक्ति दंडवत करे। और कसदी लोग बेबीलोन में बहुत भारी मात्रा में मूर्ति पूजा करते थे, परंतु शद्रक मेशक और अबेदनगो इन तीन व्यक्तियों ने राजा को राजा की आज्ञा को नहीं माना, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। आइए वचन को देखिए, दानियल का पुस्तक 3 अध्याय और 8 से लेकर 12 वचन। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास आए और कपट से यहूदियों की उन्होंने चुगली खाई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, हे राजा तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य सारंगी बांसुरी बिना सारंगी सितार शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। आमीन। उन्होंने जो नबूकदनेस्सर राजा की आज्ञा को नहीं माना, परंतु उस महान परमेश्वर को जो सृष्टि को रचने और बनाने वाला परमेश्वर उसके ऊपर विश्वास करके उसकी आज्ञा का पालन किया। और उनका आज्ञा पालन क्या था, आइए वचन को देखिए, उसके 16 से लेकर 18 वचन में उनकी आज्ञा पालन के बारे में देखते हैं। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिनकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वरन यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। आमीन। और उसका परिणाम क्या हुआ, आइए उसका परिणाम भी देखें 25वें वचन में। फिर नबूकदनेस्सर ने फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और 4थे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। इस जगह पर जो है शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को माना, और उसका परिणाम यह हुआ कि आग से बचाने के लिए वह 4था व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई दिया और वे खुले टहल रहे हैं आग के बीचों बीच, उनको कोई हानि नहीं पहुंचती है। उस जगह पर उन्होंने उस महान परमेश्वर पर विश्वास किया और आज्ञा पालन के कारण उनको जो है उनको काफी मात्रा में उनको पुरस्कार भी दिया गया। उस जगह पर बेबीलोन में परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया गया। देश के लोग को जो है नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दिया कि जहां जहां पर मेरा राज्य है वहां वहां पर
शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने उस परमेश्वर के सामने दंडवत करे। उस जगह पर परमेश्वर के नाम की महिमा हुई है, वो बहुत ही सामर्थ्य रीति से परमेश्वर की महिमा हुई है। आमेन। इस जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति उनका विश्वास और आज्ञा पालन, आमेन, बहुत ही महान था। उन्होंने जो है वो अपनी मूर्ति पूजा को छोड़कर उस जीवित परमेश्वर की सेवा कार्य करने के लिए विश्वास का कदम उठाया। आमेन। एक वचन को देखिए, पहला थसलोनिका का पुस्तक पहला अध्याय और 9 और 10 वचन। पहला थसलोनिका का पुस्तक पहला अध्याय 9 और 10 वचन। यहां पर पौलुस कहता है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो, जिसे उसने मरे में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। कौन बचाता है? वही परमेश्वर आपको और मुझे बचाने वाला है। जो जीवित है वही परमेश्वर आपको और मुझे बचा सकता है। आपको और मुझे परमेश्वर ने जब चुना बुलाया है तो आपको और मुझे उस परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करके आज्ञा पालन करते हुए जो है उसकी सेवा कार्य के लिए बुलाया गया है। कई सारे व्यक्तियों ने जो है, बहुत सारे मसीहों ने जो है अपने जीवन को जो है उन्होंने बर्बाद कर दिया है। कई सारे आज के जो विश्वासी है वो पूरे विश्वास के साथ में परमेश्वर के साथ में नहीं चलते हैं, परंतु वह 50% परमेश्वर में चलते हैं, 50% संसार में चलते हैं। वह जीवित परमेश्वर की भी सेवा करते हैं और उस मूर्ति की भी सेवा, उसको भी सेवा करते हैं, दंडवत करते हैं। कई सारे मसीह लोगों ने अपनी शादी ब्याह, जो बच्चों की शादी ब्याह है, वे लोग जो है संसार में करते हैं, संसार के अन्य जाति के साथ में उनका विवाह करते हैं, उस मूर्ति के सामने दंडवत करते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि आपको और मुझे जो है उस परमेश्वर ही को दंडवत करना है, उसी की उपासना करना है। जब मूसा को 10 आज्ञा दी थी, उसके शुरुआत की जो आज्ञा है, उन आज्ञाओं में स्पष्ट रीति से बताया गया है कि परमेश्वर जल रखने वाला परमेश्वर है और उसने कहा कि तुम किसी की भी मूर्ति बनाकर उसको दंडवत मत करो। पर आज कई सारे मसीह लोग जो है वह संसार में भी वह जाते हैं और परमेश्वर में भी काम करते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति वो आशीष को पा सकते हैं? रीति रिवाज आने पर जो है वह सांसारिक बन जाते हैं। मैं आने वाले शिक्षण में आपको वचन में मैं आपको बताऊंगा कि रीति रिवाज से भी आपको और मुझे नहीं चलना है। परमेश्वर आज के समय में अगर कोई बातों से घृणा करता है तो वह है मूर्ति पूजा से, क्योंकि मूर्तियां ये मनुष्य की हाथ की बनाई हुई है, जो न बोल सकती है, न देख सकती है, न सुन सकती है, न सहायता कर सकती है। आपको और मुझे परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया है, जो परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और वही परमेश्वर वह आज के समय में वह आपको और मुझे चुनौती देता है। क्या चुनौती देता है? आइए वचन को देखिए, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक, उसका 6 अध्याय
और 14 से लेकर 18 वचन को हम ध्यान से देखें। वचन इस रीति से कहता है, रोमियो 6 अध्याय 14 वचन से 18 वचन यह कहता है, अविश्वास के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मृत्यु के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है कि कब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनेंगे। शास्त्र का वचन कहता है, उस अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। आमीन। तो वह परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटी और बेटियां होगे। यह कल्पना करो कि वह स्वर्ग सृष्टि को बनाने वाला हुआ परमेश्वर आपका और मेरा पिता और हम उसकी संतान होते। कई सारे मसीह व्यक्तियों ने जो अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, मेरे भाई और बहनों, उस परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन को बहुत सीरियसनेस के द्वारा लेना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर के वचन के प्रति आपको और मुझे आज्ञा पालन होना बहुत जरूरी है। जैसे अब्राहम हुआ था, जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो हुआ। आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, यूनानी भाषा में एक्लेशिया चर्च को कहा गया है, यूनानी भाषा में एक्लेशिया, जिसका अर्थ बुलाए हुए होते हैं, बुलाए हुए लोगों की संगति। आमीन। और इन अलग हुए लोगों से ही कलीसिया निर्माण होता है। आमीन। इन अलग हुए लोगों से ही कलीसिया का निर्माण होता है। यह सत्य पवित्र शास्त्र यह हमें सिखाता है। आमीन। शास्त्र वचन कहता है, दाऊद अपने भजन संहिता लिखते समय, भजन के शुरुआत में पहला अध्याय पहले वचन में ही 1 से लेकर 3 वचन में वो कहता है, वो अलग होने के बारे में वो कहता है। अपने पवित्र शास्त्र को खोले, भजन संहिता पहला अध्याय और 1 से लेकर 3 वचन, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दाऊद अपने भजन की शुरुआत अलग होने से ही वो कहता है कि इस संसार में से आपको मुझे अलग होना है। एक व्यक्ति को सफल होने के लिए आपको मुझे अलग होना बहुत जरूरी है। आमीन। पत्रस जो है अपने पेंतिकुस का संदेश देते समय, वह संदेश के अंतिम शब्द को क्या कहता है, आइए वचन को देखिए। प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय और 40वें वचन में
पत्रस अपने पेंतिकुस के संदेश को लोगों को बताते समय वो अंतिम शब्द क्या कहता है, वो कहता है कि उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझा कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। किससे बचाओ? अपने आप को इस टेढ़ी जाति से आप पर मुझे बचाना बहुत जरूरी है। आमेन। शास्त्र वचन कहता है कि परमेश्वर का शास्त्र इस रीति से कहता है, उसकी शुरुआत अंधकार और ज्योति की साथ में उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत जो है, और उसका अंत वह बाहर और अंदर के लोगों के बीच के वह अंतर पर जोर देता है। इस संसार में आप और मैं जरूर रहते हैं, परंतु आप और मैं इस संसार के नहीं है। आपको और मुझे अपने देश, स्वर्गीय देश, सियोन देश के लिए आप और मुझे काम करना है, स्वर्ग के लिए आपको और मुझे काम करना है। इस टेढ़ी जाति से आपको और मुझे बचाना बहुत जरूरी है। उसके समान मत बनो। वचन कहते हैं असमान जीवे में मत जीतो, उनसे अलग हो जाओ। आपको और मुझे अलग होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें इस संसार से दूर भागना है, नहीं। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि हमें इसी संसार में रहते हुए उनकी रीति रिवाज और उनकी बातों से आप पर मुझे परे रहना बहुत जरूरी है। उनकी बातों से, उनकी रीति रिवाज से आप पर मुझे अलग रहना बहुत जरूरी है। यह काम वही कर सकता है जो व्यक्ति अपने आप को इस देश में परदेशी और यात्री समझ के रहता है। ध्यान में रखो, इस संसार में आप और मैं परदेशी और यात्री है। इस संसार का जीवन कुछ वर्ष का है, परंतु अनंत काल का जीवन ऊपर स्वर्ग में है, जो परमेश्वर के साथ में है। और बाइबल का वचन कहता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, विश्वास करते हैं, वही परमेश्वर राज में प्रवेश करेंगे। जो आज्ञा नहीं मानते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, वह नरक के कुंड में जो है दूसरा मृत्यु, उस जगह पर वो रहेंगे अनंत काल के लिए। आपको और मुझे चुनाव करना बहुत जरूरी है। आमेन। इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय और 13 से लेकर 9 वचन क्या कहता है, आइए वचन को देखिए। इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय और उसका 13 वचन, ये सब विश्वासी के दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। आपको और मुझे भी इस संसार में परदेशी और बाहरी के समान ही आपको और मुझे रहना बहुत जरूरी है। और उसका 9वां वचन क्या कहता है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा के वे देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया। कैसे वास किया? परदेशी के समान। जो लोग इस संसार के हैं, वे लोग इस संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलते हैं, परंतु जो सोचते हैं कि मैं संसार का नहीं, मैं उस देश की खोज में हूं और परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं ला जाता जो स्वर्गीय देश है, मैं उस देश की खोज में हूं। आमेन। आपको और मुझे उस परमेश्वर के लिए काम करना है। आपको और मुझे उस जीव परमेश्वर और मूर्ति की, दोनों की हम उपासना नहीं कर सकते। हमें चुनाव करना बहुत जरूरी है। और इस संसार भर में बाइबल का वचन कहता है, संसार भर में सिर्फ
वो महान परमेश्वर ही वह जीवित परमेश्वर कहलाता है जो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, आमेन। शास्त्र वचन कहता है इसीलिए जब इस संसार में रहकर हम इस संसार के रीति रिवाज को नहीं मानेंगे तो संसार के लोग आपसे मुझसे घृणा करेंगे, वह तकलीफ देंगे। आज कई सारे व्यक्ति जो है वे शादी ब्याह वो अपने संसार में करते हैं और मूर्ति के सामने दंडवत करते हैं ताकि वह संसार से वह अलग होना नहीं चाहते, परंतु बाइबल का वचन कहता है विश्वासी का अविश्वासी के साथ में क्या संबंध, परमेश्वर का शैतान के साथ में क्या संबंध, अंधकार का ज्योति से क्या संबंध। आमेन। शास्त्र वचन कहता है यूहन्ना 15 अध्याय और 18 और 19 वचन कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय और 18 और 19 वचन कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। परमेश्वर ने चुन लिया इस संसार में से इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, इसलिए संसार के लोग हमसे बैर रखेंगे। परंतु ध्यान में रखो कि शद्रक मेशक और अबेदनगो इन्होंने उस मूरत को दंडवत उसकी उपासना नहीं की और उसका परिणाम क्या हुआ, बेबीलोन में उनका पद जो है और भी ऊंचा किया गया, उनको सम्मानित किया गया, वो परमेश्वर के नाम का उस जगह पर महिमा हुआ है वो कहीं पर भी नहीं हुआ। उसका परिणाम देखिए, अब्राहम के परिणाम के बारे में देखिए, विश्वास के द्वारा चलने के द्वारा उसने अपने जीवन में हर एक प्रकार के आशीर्वाद को पाया, आत्मिक रीति से और आर्थिक रीति से भी वो धन संपत्ति उसने प्राप्त की परमेश्वर की ओर से। आमेन। अगर संसार तुमसे घृणा करता है तो इसको बड़े अचंभे की बात मत समझो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से आपको और मुझे बता दिया है यूहन्ना 15 अध्याय 18-19 वचन में वे तुमसे बैर करेंगे, परंतु यही आज्ञाकारी जीवन की मूल कीमत यही है, आज्ञाकारी जीवन की मूल कीमत यही है। जब तक लोग हमारा इनकार नहीं करेंगे, ना पसंद न होंगे, परमेश्वर राज में प्रवेश कैसा। आमेन। कई सारे लोग वह संसार और परमेश्वर दोनों को लेकर चलते हैं इसीलिए वे आशीर्वाद से वंचित है। हमने भजन संहिता पहले अध्याय में देखा एक व्यक्ति सफल होने के लिए उसको अलग होना बहुत जरूरी है। आमेन। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आज के समय में जो घृणा करता है वह मूर्ति पूजा से घृणा करता है। मूर्तियों से अपने आप को बचाए रखो, इस टेढ़ी जाति से बचाए रखो। मैं कल्पना करता हूं, विश्वास करता हूं कि आज का संदेश आप तक पहुंचा है और परमेश्वर के वचन को जैसे आप प्राप्त करोगे आज्ञा पालन के अनुसार आगे बढ़ते जाओ। सारी बातों में वह परमेश्वर महान है और आपको और मुझे परमेश्वर को ही ऊंचा उठाना है। पवित्र आत्मा मुझे वचन को एक बताता है, जो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा वो अपने आप को खो देगा, परंतु जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देगा वो परमेश्वर की ओर से पाएगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपने सरों को झुकाए परमेश्वर से प्रार्थना करें।
मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमने आपके सामर्थ्य वचन को प्रभु अपने भाई बहनों को परमेश्वर पिता प्रभु बताया है बांटा है परमेश्वर प्रभु आपका सामर्थ्य वचन परमेश्वर पिता प्रभु ये प्रभु होने दे प्रभु आज के समय में परमेश्वर एक मन्ना होने दे रोटी पुष्टिकर भोजन होने दे प्रभु कि हर एक व्यक्ति जीवन के परमेश्वर पिता प्रभु उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर ताकि प्रभु आत्मिक बातों को सच्चाई को देख सके जो स्वयं आप हो परमेश्वर प्रभु आपके प्रति परमेश्वर का विश्वास के द्वारा आज्ञा पालन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता मत कर परमेश्वर अपने आप को स्टडी जाति से अपने आप को बचाए रखने के लिए प्रभु मार्गदर्शन कर हर एक भाई बहनों को परमेश्वर दया अनुग्रह को दे परमेश्वर आपका भय आपकी महान उपस्थिति परमेश्वर मैं जीवन से कभी दूर न होने पाए परमेश्वर पिता हमें अनुग्रह दे हमें सहायता कर आपके बताए हुए मार्ग पर आपके सच्चाई पर चलने के लिए कि तो वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं प्रभु यीशु जैसे आपने कहा पिता के पास जाने का मार्ग आप ही हो परमेश्वर प्रभु आपकी सच्चाई पर चलने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे हमें सहायता कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर वचन का बीज अच्छी भूमि में बोया जाए 100 गुना फल को ले आपके महिमा गौरव के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं आमीन आमीन परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में धारण करें और परमेश्वर के लिए आगे परमेश्वर के उपस्थिति में आगे चलने के लिए हमेशा हमें आपको और मुझे चलना बहुत जरूरी है उस खराई और सच्चाई के मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने आप को संभाले सुरक्षित रहे और प्रार्थना करें अपने कलीसिया के लिए ताकि हम फिर एक बार इकट्ठा आकर हम परमेश्वर घर में जो है वो स्तुति आराधना हम कर सके आमीन परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे प्रभु स्तुति